नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं एंकर परेश फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है द एंकर परेश शो। जैसे कि आपको पता है कि एबीटी न्यूज़ का एक खास प्रोग्राम होता है और जब भी आप मिलते हो ना सेलिब्रिटीज हमारे साथ में होते हैं और अभी हाल ही में भी हम लोगों ने मिला है, नए नए साल के नए नए सेलिब्रिटीज हमारे साथ हो रहे हैं। और अब तो नागपुर वालों के लिए भाई नई बात आ रही है, अब तक आप लोगों ने काफ़ी सारी नाइट पार्टी देखी हुई, सैटरडे नाइट पार्टी, ऐसी पार्टी, वो पार्टी, ये पार्टी, ये दिन, वो दिन, सारी चीज़ें देखी, पर अब आप लोगों ने कुछ नया मिलने वाला है। जी हाँ, वो कहते थे, मैं ना कभी कभी एडवर्टाइज सुनता था शनिवार की रात अमिताभ के साथ ऐसा था, तो सेलिब्रिटी वाली रात हमारे लिए लेके आ रहे हैं। जी हाँ, और आज मेरे साथ एक साथ दो सेलिब्रिटी है, वैसे तो एक भाई भाई वाले हमारे पुराने संदेश भाई मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, और आज हमारे साथ जिनको आप लोगों ना सी आई डी में देखा होगा इंस्पेक्टर वाले रोल में, तो सर बोलने की जरूरत है, मैं बता भी रहा हूँ यार क्या यार। तो सर मैं सबसे पहले तो आपको पूछूंगा, ये तो हमारे नागपुर के ही है, आपसे जानते हैं नागपुर कैसा लगा? नागपुर अच्छा शहर है, और जैसे वो नागपुर संतरे के लिए मशहूर है ना, तो संतरा लोग खाते हैं, संतरे से विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है तो आपकी एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलता है आपका चेहरा खिलता है, जब चेहरा ही अच्छा है तो आपके नागपुर अच्छा है। क्या बात है ना, संतरे के ऊपर भी देखो कितना बोल रहा है, तो सोच लो भाई ये डायलॉग के ऊपर कितना होता होगा। वैसे हमने देखा है सर आप क्या काम करते हैं, जब जब सर हमारे प्रद्युमन सर बोलते कुछ तो गड़बड़ है और बस आप शुरू हो जाते हो। संदेश भाई फिर से एक बार कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, नागपुर जब जब बुलाता तब तो मैं मुंबई से फ्लाई करके नागपुर आ जाता और आपसे मुलाकात होती है, दिल खुश हो जाता है, और क्या चाहिए, दिल गार्डन गार्डन में भाई 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 वाला प्यार ही है तो। वैसे सर ये जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, कैसा कंसेप्ट और क्या रहने वाले? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म गाँव के लिए मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो एनिमल वेलफेयर और कैंसर के जो पीड़ित लोग हैं उनको पुलिस वेलफेयर में जाएगा। जैसे पुलिस वालों को लोग बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते, लेकिन पहली बार इवेंट इतना अच्छी नज़रों से कोई देख रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कुणाल का, आयशा का, इमरान का, पूरी टीम का, आपके मॉडल्स जो पहुँचे हैं, नॉल जो भी हैं, और आपका, ये आपके माध्यम से इतना बड़ा जो है मैसेज जा रहा है नागपुर से जो है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। ऑर्गेनाइज कौन कर रहे हैं? इस पूरी टीम कर रही है, और टीम जैसे रोहित शेट्टी टीम होती है ना फिल्म में, ऐसे ही कुणाल एंड टीम एक नया जो है कॉन्सेप्ट लेके आई है, और बहुत अच्छी टीम है, युवाओं की टीम है जिसमें जोश है, जो नया कुछ करने का जज्बा है, और वो करके दिखाएंगे, और ये पहला सीज़न है उनका, मुझे लगता है कि आने वाले समय में सीज़न बढ़ता जाए, और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि हर सीज़न में इनके जो है वेलफेयर्स के 3 हैं, अगली बार 6 आएँ, उसके बाद 10 आएँ, और आप इतने ज़्यादा आगे जाओ कि आप यहाँ से जुड़े जितने भी किसान के वेलफेयर्स हैं उनके बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ। अरे कारवा बढ़ता जाए जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने जो कंसेप्ट बताया है इस इवेंट को लेकर, तो नागपुर वाले हो आप, तो क्या सोचते हो ऐसे इवेंट्स के लिए नागपुर वाले? तो देखिए, अब तक जो पुलिस वेलफेयर का जो इवेंट होता था तो बेसिकली पुलिस वाले ही ऑर्गेनाइज करती थी, ये मुझे लगता है शायद मेरी जहाँ तक समझ है, जहाँ तक ध्यान में है कि फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हो रहा है कि जो कि बाहर का कोई इवेंट कंपनी, एस मीडिया, एस एंटरटेनमेंट कंपनी, बाहर की कंपनी आकर नागपुर में पुलिस वेलफेयर और कैंसर पेशेंट और एनिमल वेलफेयर के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही होगी नागपुर जैसे शहर में, जो कि अब धीरे, अब वो छोटा नहीं रहा नागपुर, हमारा पहले भी कई बार इंटरव्यू हो चुका है, वो नागपुर छोटा नहीं है, वो नागपुर बड़ा हो गया, अब वो मेट्रो सिटी बनने जा रहे हैं, और सीएम साहब हमारे नागपुर से, नितिन गडकरी अंकल जी हमारे नागपुर से, तो जब नागपुर में जब दो व्यक्ति, दो पिल्ला खड़े, तो हम छोटे छोटे पिल्ला को बहुत एक मनोबल मिलता है कि हम भी इतनी मेहनत करें, इतनी कोशिश करें कि हम भी वहाँ तक पहुँचे कि हम भी अपने नागपुर क्या दे, नागपुर से लेना तो सब लोग ने सीखा है, हम क्या दे रहे हैं नागपुर को, नागपुरियंस ये सोचना शुरू करो। और इतना अच्छा कंसेप्ट है ना, मज़ा भी आ रहा है सुन के, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं देखूँगा तब कितना बड़ी। इसका इंग्लिश नाम पता है आपको क्या नाम है? सर इंग्लिश नाम अपनी थोड़ी सी कच्ची है, इंग्लिश कच्ची है ना यार, क्या कहना चाहिए था, मुझे भी नहीं पता इसलिए पूछ रहा था। अरे यार चलो सेम टू सेम वाले हो गए यार, चलो कोई बात नहीं सर, मैं नाम बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल, बेसिकली इस इवेंट का नाम है मैरी कोस्टर 2018, जो कि 20 जनवरी को मानकापुर स्टेडियम में होने वाला है, और बाकी परेश भाई कह रही हो क्या पूछना चाहते हो? इस इवेंट में रहेगा क्या? चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारी चीज़ें होने क्या वाले और किन लोगों के बेनिफिट यहाँ पे होने वाले? इस इवेंट में बेसिकली नागपुर और विदर्भ के जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, जो कि प्रतिभाई है डांस, रैम शो में, फैशन में, जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए ये एक फर्स्ट स्टेप रहेगा, क्योंकि इस इवेंट में नागपुर के और विदर्भ के लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक कोई बाहर की कंपनी आके नागपुर वालों को इतना प्यार दे मैंने तो नहीं देखा बॉस, लेकिन मैं कुणाल और आयशा जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नागपुर जैसी सिटी को चुना, और नागपुर के छोटे छोटे डांसर्स,
فیشن ڈیزائنرز، ماڈلس، ان کو ایک بڑا پلیٹفارم دینے کی جو انہوں نے ان کی کوشش ہے، جو تیاری ہے، وہ اس میں سکسیزفل رہیں گے. اور اس ایونٹ سے بیسیکلی آپ دیکھیں نا، پولیس ویلفیئر، اینیمل ویلفیئر، کینسر پیشنٹ، ہم لوگ کو بھی ممبئی سے ناگپور بلایا گیا. کیوں؟ ایک ناگپور والوں کے لیے کچھ اچھا ہو، یہ ناگپور والوں کی سوچ تھوڑی بڑی ہو، جو کہ اب سوچتے تھے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے ناگپور سے. لیکن باس، اب وہ ٹائم آ گیا، آپ کو بدلنا ہوگا، ہم کیا ناگپور کے دے رہے، یہ سوچنا ہوگا. کیا بات ہے بھائی، کہہ رہے کتنی ساری انرجی ہے نا، اچھی بات اور اچھی سوچ جب آتی ہے اپنے اس میں تو بالکل شروع ہو جاتا ہے. میں پھر سے آپ کے پاس آتا ہوں، میں سنا ہے اس ایونٹ میں کہ کافی سارے اور کلاکار یعنی کہ اسٹاروں کی رات ہونے والی ہے، تو کچھ آئیڈیا؟ سر اسٹاروں کے ساتھ آپ رہتے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنا سارا لمبا سا بھاشن دیا، یہ اسٹار بھاشن سے یاد آ رہے ہو، بھاشن سے یاد آ رہے ہو نریندر مودی جی سے، نہیں بھاشن سے نریندر مودی جی یاد ہے، ان کے انداز میں پوچھوں گا. متروں، بھائیوں، بہنوں، اس ایونٹ میں جو کلاکار آنے والے ہیں، کون کون آنے والے؟ پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو اتنی دیر میں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ تو اپنے ہیں، یہ باہر والے بھائی، یہ کیا بولے؟ یہ بتائیے، ابھی اتنی دیر پہلے انہوں نے ہم سے بولا کہ آپ شنیوار کی رات بچن سمجھ، اتنے بڑے بڑے سے اس سے کیسے پوچھ رہے ہیں آپ؟ بس پہلے آپ میڈیا والے ساری خبریں پھاڑ پھاڑ کے نکال لیتے ہو، کون کہاں جانے والا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے بال کس نائی کی دکان پہ کٹنے والے، سب آپ کو پتا تھا، ہم سے کیسے پوچھ رہے ہو آپ؟ یہ تو آپ کو کیسے، ویسے بھی خود ہی پتا ہے کہ ناگپور میں کون پہنانے والا ہے، کافی سارے لوگ آنے والے ہیں، یہ سرپرائز ہے. اور سرپرائز پیکج کو کرپیا سرپرائز رہنے دیجیے، سرپرائز رہنے دیجیے تاکہ تھوڑا سا ناگپور میں سسپنس تو بنا رہے نا. نہیں کیا ہوا سر، آج ہے پترکار دن، میرے اندر کا بھی زیادہ باہر نکل گیا. ہاں سچ میں آج پترکار دن، پترکاروں کو بہت بہت دھنیواد، بہت بہت بدھائی ہو، آج پترکاروں کا دیوس ہے. ویسے میں نے مدرس ڈے سنا تھا، فادرس ڈے، پہلی بار پریس ڈے سن رہا ہوں. پریس ڈے پہ میں سارے پریس والوں کو تہے دل سے آبھار ویکت کرتا ہوں، اسی طرح دیش کو وہ لوگ آگے بڑھاتے رہے. کیا بات ہے. آپ، میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میڈیا نے ہمیشہ کلاکار کو سپورٹ کیا، اور کلاکار کو جتنا سپورٹ میڈیا نے کیا، مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا سے بڑھ کے کسی نے ان کو سپورٹ کیا. تو اس لیے پروڈیوسر نے بھی سپورٹ کیا، نہیں نہیں پروڈیوسر تو ٹھیک ہے، پروڈیوسر کرتا، لیکن کلاکار کو جو مدعے کی بات کرتی ہے، مدعے کی بات نہیں، لیکن جو میڈیا سپورٹ کرتا ہے کلاکار کو، مجھے نہیں لگتا وہ اتنا پروموشن یہ سب چیزیں دیتا ہوں. تو میں سندیش کو اور میری طرف سے جتنے بھی ہمارے پترکار بھائیوں اور بہنوں ہیں، ان کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم اور میری کوسٹر کی ٹیم کی طرف سے پترکار دیوس کی بہت بہت شبھ کامنا. آپ اسی طریقے سے سوتنترتا سے کام کرتے رہیں. سو کافی ساری شبھ کامنا آپ سے. میں ایک چیز بچی رہے گی آپ، بالکل بالکل سر، اتنے سارے سیلیبریٹیز کی بات آپ نے کر لی، اس میری کوسٹا کو اس نے لانچ کیا، اس کا نام تو آپ نے لیا. میں پوچھا سر، میں ماننی دیویندر فڈنویس جی کا بہت بہت آبھار ویکت کرتا ہوں، تہ دل سے پوری میری کوسٹا کی ٹیم کی طرف سے ان کا آبھار ویکت کرتا ہوں کہ اتنے بزی اسکیڈیول میں انہوں نے اس بڑے سے ایونٹ کے لیے، چھوٹا نہیں بولوں گا، بڑے سے ایونٹ کے لیے تھوڑا ٹائم نکالا. ان کا میں بہت بہت دھنیواد آبھار کرتا ہوں، انہوں نے پوسٹر ریلیز کیا اس شو کا، اور بہت یواؤں کے چہیتے ہیں وہ. اور اس ناگپور سٹی کو اور دیویندر فڈنویس جی اور گڈکری جی نے ایک بہت بڑے استر پہ پہنچایا ہے. آج ناگپور کو اگر اس خوبصورتی کے لیے اگر پہچانا جاتا ہے، اس میں دو نام ضرور لیے جاتے ہیں، ایک دیویندر فڈنویس جی اور ایک نتن گڈکری جی. اور نتن گڈکری جی تو بہت اچھے ہیں، اور انہوں نے ہمیں جب جب بھی ان کو جو بھی پد ملے ہیں، اس میں انہوں نے دیش کو بہت کچھ دیا ہے. روڈس اگر آج ہم اتنی اچھی طریقے سے اگر اس پہ چل پاتے ہیں، ہائی ویز اگر ہیں اس پورے دیش میں، اور فلائی اوورس ہیں، پلس ہیں، تو ان کی بہت بڑی دین ہے، یہ ان کی سوچ ہے یہ. اور ویسے بار بار میں کہتا ہوں کہ پورا دیش جو ہے اس سمے جہاں سے چل رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو ناگپور کی بہت خاصیت ہے. جیسے سندیش نے بولا کہ ناگپور نے ہمیشہ دیا ہے، لیا نے ہمیشہ دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ ایسے ایسے کنٹری میں ایسے اسٹیٹ اور ایسے سٹیز بنتے رہیں جو پورے دیش کو دیتے رہیں. اور یہاں سے انہوں نے بہت ساری گاؤں کو دیا ہے، بہت سارے ایسے پولیٹیشینس کو دیا ہے تاکہ دیش چلائیں. سر یہ بات کافی اچھی ہے ناگپور والوں کی، اور ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، مدعے والی بات رکھتے نہیں ہے کہ ہاں ہمارا کوئی بینیفٹ ہوگا. اچھے سے آپ لوگ بھی دیکھو، آپ کی سی آئی ڈی سر آپ کو وہاں سے کر دو، ادھر سے لوگوں دیکھو کتنا پیار دیتے آپ لوگ. کیا نا، میں تو آتے ہی میں نے بولا کہ ہاں، میں تو سیدھے ہی بولا کہ سنترے کی نگری میں سنترا کھایا، وٹامن سی آئی دیکھو میں کتنا چمک گیا. میک اپ نہیں ہے یہ مطلب ایسے پراپر ہے، مطلب میری خود کے اندر انرجی جو ہے وہ بڑھ گئی. دیکھو میں آیا تھا بڑا جیسا فائٹ سے اترا ایسا تھا، مطلب
एनर्जी बूस्टर यहाँ मिलता था। अब तो ये पूछना जरूर बनता है संतरा कौन सी दुकान से लिया था। मैं हालांकि नागपुर से मैं काला दिख रहा हूँ भाई, आज पहली बार आया एक संतरा खा लिया इतना क्लीन हो गया। देखो जो है आप किसी दुकान पे जाइए उससे पहले तो भाव मत करिए, जितने में संतरा दे चुपचाप ले आइए घर और प्यार से खाइए उसे। अगर आप कोई चीज़ बहुत प्यार से अगर नाइस करते हैं तो वो आपको अंदर जाके ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। वैसे ही माँ का प्यार होता है ना, माँ का प्यार, माँ ऐसे संतरे का प्यार जो है, ऐसे जो है जब आप इस ऑरेंज सिटी में जो है, जैसे अभी आई थिंक ऑरेंज फेस्टिवल भी यहाँ पर हाल ही में हुआ था और मैं कहीं भी गया हूँ तो उस इवेंट की चर्चा थी। मैं कहीं भी जैसे मैं पूरे देश में बड़ा घूमता रहता हूँ, मैं जहाँ भी गया उस इस फेस्टिवल की चर्चा थी। और बहुत अच्छी चीज़ है ये कि एक फ्रूट्स को इतना बड़ा नाम मिला जो है, क्योंकि नागपुर अगर पहचाना गया, मैं भी बचपन में था तो बोलते थे कोई आता था जब घर से वो नागपुर से आ रहे संतरे लेके आए, तो आज पहली बार मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि हाँ वाकई में जो है ऑरेंज सिटी है और यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जो सोच ने, यहाँ के पॉलिटिशियन ने, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने उस चीज़ को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आज वर्ल्ड जाने लगा संतरे का। संतरा अच्छे होते हैं तो अमेरिका में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में भी काम नागपुर अच्छे होते। तो देखा आप लोगों भैया आपकी बहुत तारीफ हो गई है, इन्होंने अपने काम कर लिया है और आज पत्रकार दिन के उपलक्ष्य में भी काफ़ी सारी शुभकामनाएं आप सभी को मिली है। तो मैं एक और अच्छा आप लोग ऑडिशंस पे जरूर आइए, ऑडिशन दीजिए और अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको ऐसे ऐसे महान महान लोगों के सामने मतलब आप दिखाइए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितनी ज़्यादा तादाद में आएँ और सपोर्ट करें और अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को चेक करें कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। प्लीज़ कम एंड परफॉर्म एंड फॉर द बेस्ट, अच्छा होगा। और हार या जीत के लिए मत आइए, इंजॉय करने आइए, मज़ा करने आइए, मस्ती करने आइए, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद नागपुर, जय हिंद जय भारत। आना कब ये तो बता दीजिए, सब हो गया आने का भाई। देखो आज मैं आया हूँ तो आज तो मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन कल मैं जब आऊँगा तो बहुत सारे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं मुझे पता है। और 20 तारीख को जो बहुत बड़ा यहाँ पे जो इवेंट होने वाला है उसमें आप लोग ज़रूर आइए और आई होप आप सबको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। नागपुर में इससे बड़ा इवेंट अभी तक शायद नहीं हुआ है और ये मैरी कोस्टा एंड टीम ने मिल के किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हो। वैसे आप सभी को बता दूं इतनी अच्छी सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं और काफ़ी बड़ा इवेंट लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सर तैयार रहिएगा, 20 तारीख को होने जा रहा है और बाकी जितने भी डिटेल्स हैं सर बड़े ज़बरदस्त है, तो 20 तारीख को होने जा रहा है, बाकी जितनी डिटेल्स है सारी स्क्रीन पे दी जा रही है और वो देख लो, पढ़ लो और वहाँ पे जाओ। तो मैं अभी फाइनली एक बात वही कहूँगा, हमेशा मिलाऊँगा नए सोच के साथ, नए इरादों के साथ, नए कलाकारों के साथ, फिर छोटी मोटी खट्टी मिट्टी बातों के साथ। अभी के लिए लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा आप सभी को